2000 साल पीछे चले जाएं, फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया, उसकी दो बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से उस बांदी से कहा ये आग तेरे सामने है जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सबके लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी फिरौन ये तो मेरी दो हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देता। फ़क्ज़ मा अंतकाफ, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई, एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है इस बेरी या उम फैन्ना लकी मिनल अजर कदा व कदा। माँ जी डरना नहीं, सबर करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। और शुरू मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा, अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है इस बरी या उम फइन्न लकी मिनल अजर कदा व कदा। माँ जी थोड़ी देर का सबर, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे उसने फिरौन को देखा, फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी। कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन ने पूछा क्या, कहा जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा मैं पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ। सुभानअल्लाह, जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती, जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाहु अकबर का नारा लगाती हुई, हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गईं। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो, दफन। 2000 साल के बाद बच्चों बच्चियों, 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में
تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے، جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آنے، ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، میں نے اللہ کو، اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو۔